हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अध्यापक संविलियन में उलझ गई है। संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली संविदा वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षा अभी और टालने के आसार है। DPI के अधिकारी संविलियन में उलझ गए हैं। इसके चलते परीक्षा मार्च में होना मुश्किल है। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में हो सकती प्रॉब्लम व्यापम। संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराएगी। पिछली परीक्षा में तीनों वर्ग में 14 लाख फॉर्म डाले गए था, इस बार 20 लाख फॉर्म डाले जा सकते हैं। एक दिन में 50,000 स्टूडेंट देगी परीक्षा। 4 साल से नहीं निकल पाई है संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा। इतने टाइम बाद निकलने के बाद भी परीक्षा अध्यापक संविलियन की वजह से रुकी पड़ी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी संविलियन में लगे हुए हैं, इसलिए संविदा शिक्षक भर्ती में काफी टाइम लगेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और है सब्सक्राइब करना न भूलें।